मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की अध्याय जो 6 है 1857 का विद्रोह जो अध्याय 6 में जो दिया गया, और ये जो 80 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया, और ये जो आज जो पार्ट 3 है, और यहाँ पर पार्ट 1 गलती से लिखा गया, पर ये जो पार्ट जो है 3 है, ठीक है। इससे पहले जो आपका जो है 54 क्वेश्चन करवा दिया गया, और ये जो 55 क्वेश्चन से आज जो है स्टार्ट होगा ये वीडियो, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगर जिसका पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है, किसने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक खुदा है। तो ये जो है आपका किसने, ये इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, किसने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक खुदा है। तो सब भूमि का मालिक जो खुदा है, तो ये किस आंदोलन में जो ये बोला गया था ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका डी आंसर आपका जो राइट है, बंगाल के जो है पराजयी आंदोलन में ये जो बोला गया था सब भूमि का मालिक खुदा है। तो किस आंदोलन में बोला गया था, बंगाल के पराजयी आंदोलन में बोला गया था, यानी डी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 56 क्वेश्चन दिया है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो आपको बताना है ये जो 1840 में कूका आंदोलन शुरू हुआ था इसको किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भगत जवाहर मल ने जो है 1840 में जो है ये जो कूका आंदोलन को जो शुरू किया था, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम जो 57 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया, संस्थान विद्रोह 1856 से 57 कहाँ हुआ था। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थान विद्रोह जो है, और ये संधि आपको बताना है, संधि पूछता है क्योंकि मिलान में पूछ लेता है। तो 1856 से 57 कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था छोटा नागपुर में हुआ था। तो संस्थान विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ 1856 से 57 में जो है ये हुआ था आंदोलन। तो ये आपको बताना चाहिए, यानी ये आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन आज के वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 58 क्वेश्चन दिया है, डलू गलन के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह किसने किया। तो डलू गलन के रूप में जो है 7 ब्रिटिश के प्रति जो जनजातीय विद्रोह जो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने किया था ये विद्रोह, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 59 क्वेश्चन आपका दिया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्न चार आंदोलनों पर विचार कीजिए। तो आपको चार आंदोलन जो दिया गया इसे क्रम अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका कालानुक्रम जो ये कौन सा जो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो है ये जो गुज्जर विद्रोह हुआ था, ठीक है। पहले नंबर पे आपका जो है कौन सा आंदोलन हुआ था, गुज्जर विद्रोह आंदोलन हुआ था। और फिर जाके आपका जो है दूसरे नंबर पे जो है आपका भील विद्रोह आंदोलन हुआ था। और तीसरे नंबर पे जो है आपका जो है कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये कोल्हापुर का आंदोलन हुआ था। और ये आपका जो सबसे आखिरी में जो चौथे नंबर पे जो है धनंजय भंज का बगावत, ये जो चौथे नंबर पे हुआ था। यानी कि आपका जो है राइट आंसर आपका जो बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मिला लीजिएगा, आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 60 क्वेश्चन जो दिया गया, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो आपको बताना है पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, और ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है करम शाह ने किया था। तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, करम शाह ने किया था, यानी सी आंसर आपके जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया 61 क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और सही उत्तर का हमें चयन भी करना है, ठीक है। तो हम देख ले इससे पहले, सबसे पहले मिला लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धो भगत जो ये कोल बगावत से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका जो किससे संबंधित है, बुद्धो भगत जो कोल बगावत से संबंधित, और ये भी संधि याद रहना चाहिए। तो 1831 से 32 में जो है ये हुआ था, ठीक है। और सिंटू कान्हू का संबंध जो है संस्थान विद्रोह से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, संस्थान विद्रोह से हो जाएगा। और संस्थान विद्रोह ये भी पता रहना चाहिए कब हुआ था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। तो 1855 में जो है संस्थान विद्रोह जो होता है, ठीक है, सिंटू कान्हू ये जो संबंधित थे। और टीटू मीर जो थे ये जो है वरासत विद्रोह से संबंधित थे। तो ये जो है टीटू मीर किससे संबंधित, वरासत विद्रोह से। और वरासत विद्रोह जो 1831 में था ये भी आपको संधि बताना चाहिए। और गंगा नारायण का संबंध में बताना है, तो इनका संबंध जो भूमि है विद्रोह से संबंधित था, जो कि जो कब हुआ था 1833 में होता है, ठीक है। तो गंगा नारायण जो है किससे संबंधित, भूमि है विद्रोह से संबंधित है, और ये 1833 में होता है, ठीक। और ये जो है सरयत उल्लाह का संबंध जो है फ्राइजी आंदोलन से संबंधित है, किससे संबंधित है, फ्राइजी आंदोलन से संबंधित है। और ये 1836 से 37 में आंदोलन जो होता है, ठीक है। तो जब हम इसे मिलान करेंगे तो आपका जो कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आप मिला के देख सकते हैं, आपका सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 62 क्वेश्चन दिया है, भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूची फर्स्ट को जो सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम मिला लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है ये आपका जो भीलों का विद्रोह, तो भीलों का विद्रोह जो ये कब हुआ था, 1817 से 18 में भीलों का विद्रोह होता है, ठीक है। और ये जो है आपको कोल्हापुरी विलय, तो कोल्हापुरी विलय जो है 1829 से जो 45 में होता है, कब होता है, 1829 से जो ये 1845 में होता है, ठीक है। और ये जो है आपका दिया है आपका ये जो गुज्जरों का विद्रोह, तो ये जो गुज्जरों का विद्रोह जो है ये कब हुआ था, 1824 में हुआ था। तो ये 1824 में हुआ था। और संस्थान विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ था। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिला के देख सकते हैं कि आपका भील विद्रोह कब हुआ था, 1817 से 18 में हुआ था। गुज्जरों का विद्रोह जो है 1824 में था। कोल्हापुर ये जो विप्लव जो है 1829 से 45 में हुआ था। और संस्थान विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो बहुत बार पीसीएस एग्जाम में जो पूछा गया, कई सीटों में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 63 क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें हमें सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, तो ये आपको बताना सही सुमेलित जो है, तो कौन सा सही सुमेलित आपको बताना कौन सा है। तो आपका बी आंसर आपका क्या राइट है, वन सत्याग्रह जो है कडूसा से संबंधित है आपका, और ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही पूछा गया है, तो वन सत्याग्रह जो है कडूसा से संबंधित है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है,
यहाँ पर दिया है 64 क्वेश्चन दिया है। सूची फर्स्ट को ये जो सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, तो इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जोध है, तो जोध आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो ये जोध आंदोलन 1846 में हुआ था। कब हुआ था जोध आंदोलन? 1846 में हुआ था। और संस्थान आंदोलन तो आपको पता है कि अभी क्वेश्चन में करी रहे, 1855 में हुआ था संस्थान आंदोलन। और कुल आंदोलन जो 1820 में होता है, ठीक है, तो कुल आंदोलन कब होता है? 1820 में होता है। और मुंडा आंदोलन जो है ये 1895 में होता है, ठीक है, तो मुंडा आंदोलन कब होता है? 1895 में होता है। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी आंसर आपका राइट है। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है 65 क्वेश्चन दिया है, निम्न विद्रोहों में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला। तो 1816 में तो प्रारंभ हुआ था, 1832 तक वो जो विद्रोह जो चला था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है कच्छ का विद्रोह जो है 1816 में शुरू हुआ था और 1832 तक चला था कच्छ विद्रोह, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है 66 क्वेश्चन दिया है, निम्न को सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित इसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपका 66 क्वेश्चन दिया है, निम्न को सुमेलित कीजिए, तो हम इसे सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया है ये जो कोली, तो ये आंदोलन जो 1824 से 28 में हुआ था, यानी कि इस पे मैचिंग इसका हो जाएगा, ठीक है। और फिर जाके कोल विद्रोह को आपको बताना है कि कोल विद्रोह जो आपका कब हुआ था, तो कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1820 से 36 में हुआ था, ठीक है। और आपका पुआंग विद्रोह जो हुआ था ये जो है 1861 में हुआ था, तो ये पुआंग विद्रोह 1861 में हुआ था। और ये आपका जो नांगा विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो ये जो 1879 में ये हुआ था। तो ये आपका जो सीधे सीधे दिया था, और ये आपका जो ये आंसर आपका किया जाए राइट। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामने सामने जो आंसर जो दिया रहता है, ठीक है। और 67 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका क्या दिया है, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलन में कौन पहला था। तो आपको बताना है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलनों में जो है कौन सबसे पहले हुआ था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका हुआ था कूका विद्रोह हुआ था, तो कौन सा आंदोलन हुआ था, ये कूका विद्रोह जो सबसे पहला आंदोलन था, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 68 क्वेश्चन दिया है, सिंटू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना सिंटू और कानू ने किस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 68 का, ये जो है ए हो जाएगा, ठीक है। संस्थान आंदोलन का जो है नेतृत्व किए थे सिंटू और कानू ने, जो है संस्थान आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है यहाँ पर दिया है 69 क्वेश्चन, आंध्र में अल्लूरु सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था। तो ये आपको बताना था, ये आपका ई आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, जंगल कानून के विरुद्ध था। आंध्र में जो अल्लूरु सीताराम राजू का विद्रोह जो किसके विरुद्ध था, तो जंगल कानून के विरुद्ध था। तो आपका 15 में से जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।